हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी एसएससी के थ्रू आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ था। एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने के बाद में आपकी आंसर क्या आनी थी, और उसी के अकॉर्डिंग आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़, बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एन सरकी के बारे में। देखो बता दो दोस्तों, ये एन सरकी कैसे क्या डाउनलोड करनी है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिल सके। दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी में कंपटीशन किस तरह है। देखो दोस्तों, लगभग 17 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिए, और आपकी जो वैकेंसीज है वो 7000+ वैकेंसीज है। कितनी है? 7000+ वैकेंसीज है, ठीक है। अब 7000+ वैकेंसीज है, तो 7000 में कितने गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, तो लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो लगभग मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर 96000+ कैंडिडेट्स है, 96000+ कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम में पास होंगे, ओनली फॉर एग्जाम में पास होंगे 96000 कैंडिडेट प्लस। अब जाहिर सी बात है, 96000+ कैंडिडेट्स एग्जाम में पास होंगे, जरूरी नहीं है कि 96000 के 96000 फिजिकल कर पाए। दोस्तों मैं बताऊँ, 96000 में से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, लगभग आपके यहाँ पर 40000 बच्चे फिजिकल में फेल होंगे। वो किस में फेल होंगे? आपकी ऊँची कूद और लंबी कूद। जो हाई जंप है वो 14 फुट है दिल्ली पुलिस में, आप सबको पता है, और 14 फुट आपको भाई 14 फुट नॉर्मली बात नहीं होती, और 14 फुट कूदने के लिए आपको लंबी प्रैक्टिस चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अभी आपका जो डाटा निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि लगभग 96000 बच्चों को, तो 96000 बच्चों का। अब जाहिर सी बात है, जो 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, सारे कंपटीशन वाले तो है नहीं, ये तो है नहीं कि भाई सभी के सभी पढ़ने वाले। मैं बता दूं आपको, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बताऊँ आपको यहाँ पर वो। उससे पहले बात कर लेते हैं एनसीसी के लिए आपकी बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। देख सकते हो इस बुक के अंदर वो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको एनसीसी के एग्जाम में बेहतरपूर्ण साबित होने वाला है, जिसके आप बता दूँ ए बी सी और परीक्षा दो तीनों आपकी जो सी तक आपका प्रमाण पत्र होता है उसमें आपको जो आपकी बुक साबित होने वाली है। तो इस बुक को आप अध्ययन कर सकते हो, इस बुक का आपको परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस बुक को आप परचेज कर सकते हो। एनसीसी की बेस्ट बुक वो चक्षु प्रकाशन की सबसे पहले मार्केट के अंदर उपलब्ध हो रही है। दोस्तों बुक भी हाथ में नहीं रखते, वो पहले दिन पढ़ते और बाद में बोलते भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। दोस्तों सिलेक्शन के लिए लगभग आपको कम से कम 6 महीने लगातार 6 से 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए, वो भी कंटिन्यू चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप छोड़ दो और 2 दिन आप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर दिल्ली पुलिस जैसी जॉब मिलती है। दिल्ली पुलिस में आने के लिए बता दो, पैरामिलिट्री स्टाफ के जो भी जवान थे वो सारे के सारे एग्जाम्स देते हैं दिल्ली पुलिस में। अब मैं बताऊँ आपका दिल्ली पुलिस की जो आज आंसर कहेगी ना, वो आपकी आएगी 17 बजे। 17 बजे यानी लगभग बताऊँ आपको 5 बजे आपका आंसर की लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और 9/12/2023 तक 6 बजे तक आपका आंसर की लिंक एक्टिवेट रहेगा। जैसे आंसर कहेगी मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगा किस तरीके से आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, किस तरीके से क्या करना, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही में आपको आंसर आते ही आपका एक सेफ एनालिस के तहत आपको एक कट ऑफ बता दी जाएगी, आंसर की आने के बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों आंसर की जैसे आएगी मैं अपडेट कर दूंगा, वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के माध्यम से पा सकते हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजानर साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों